नमस्ते। अधुना संस्कृत कालांशः प्रारभ्यते। रुचिराद् द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रथमः पाठः सुवासितानि सुवासितम् सुवासिते सुवासितानि सुंदर वचनानि। सुवासितानि का अर्थ है सुंदर वचन। प्रथम श्लोक पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, प्रथम जल, द्वितीय अन्न, तृतीय सुवासित सुंदर वचन। मूर्ख लोगो, पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। संस्कृत प्रश्नोत्तर का अभ्यास। कुत्र त्रीणी रत्नानी, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी, पृथिव्याम कति रत्नानी, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी, पृथिव्याम त्रीणी कानी, पृथिव्याम त्रीणी जलम अन्नम सुवासितम इति त्रीणी रत्नानी संति। कई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ ही केशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ ही पाषाण खंडेशु का विधीयते, मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इस तरह छह प्रश्नोत्तर इस श्लोक में हैं और इसका हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए कि जल पहला रत्न है, अन्न दूसरा रत्न है और सुंदर वचन तीसरे रत्न है। जलम वही जीवनम, जल जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। जल के द्वारा ही हमारे प्राणों का पोषण होता है, अन्न के द्वारा हमारे शरीर का भरण पोषण होता है और सुंदर वचनों के द्वारा हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ हमेशा मधुर वचनों के द्वारा ही व्यवहार करना चाहिए। जल, अन्न और सुंदर वचन इस पृथ्वी पर तीन बहुत सुंदर रत्न हैं, ऐसा संस्कृत कवि हमें समझा रहे हैं। द्वितीय श्लोक सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाते वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। इस धरती पर सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, विराजमान है। संस्कृत प्रश्नोत्तर अभ्यास। केन पृथ्वी धार्यते, सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन का धार्यते, सत्येन पृथ्वी धार्यते, केन तपते रवि ही, सत्येन रवि ही तपते, सत्येन कहा तपते, सत्येन रवि ही तपते, सत्येन कहा वाति, सत्येन वायु वाति, वायु केन वाति, वायु सत्येन वाति, सर्वम कुत कस्मिन प्रतिष्ठितम, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में संस्कृत कवि सत्य की महिमा प्रतिपादित कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार का अभिचिन्ह सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, इसका संदेश देता है। यहाँ भी यह कहा जा रहा है ये पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, इस धरती पर सत्य का ही साम्राज्य है। सूर्य भी अपनी पावन रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा सत्य का संदेश दे रहा है और वायु भी सत्य के द्वारा ही निरंतर वह करके हमें प्राण शक्ति प्रदान करती है। सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है। सत्येन उत्तविता भूमि ही, वेद में कहा गया है इस पृथ्वी को सत्य ने ही अपने अंदर धारण किया है। तो इस तरह इस श्लोक में सत्य की महिमा को तीन तरह से प्रस्तुत किया गया है। तृतीय श्लोक दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नहीं विस्मयो नहीं कर्तव्यो
बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान देने में, तप करने में, शौर्य पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में, नय नीति में हमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा यह पृथ्वी बहुरत्ना बहु रत्नों से परिपूर्ण है। इस श्लोक में संस्कृत के कवि छह बातों की ओर हमें बोध करा रहे हैं। दान तप शौर्य विज्ञान विनम्रता और नीति में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने ये वसुधा वसुंधरा, वसु कहते धन को, धरा धारण करने वाली वसुंधरती दी वसुंधरा, ये पृथ्वी माता बहुरत्ना इसका विशेषण है और ये वसुंधरा विशेष है। संस्कृत प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। वसुंधरा कीदृशी अस्ति, बहुरत्ना अस्ति, बहुरत्ना का अस्ति, बहुरत्ना वसुंधरा अस्ति, कुत्र कुत्र विस्मय न कर्तव्यः। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मय न कर्तव्यः। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये कहा न कर्तव्यः। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मय न कर्तव्यः। अर्थात हमें इन छह चीजों में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देने में जो हमें देना है, तपस्वी जो हमें विद्या अध्ययन का सबसे बड़ा तप है, पढ़ने पढ़ाना सबसे बड़ा तप का कार्य है, शौर्य पराक्रम है, विज्ञान है, चिंतन है और नए विनय विनम्रता है, नए नीति है। इन कार्यों में कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इन सभी कार्यों को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए। परमात्मा ने यह पृथ्वी अनेक रत्नों से परिपूर्ण बनाई है। इस प्रकार संस्कृत के कवि ने इस श्लोक में विविध भावों को प्रस्तुत किया है। चतुर्था श्लोकः। सद्वीरेव सहासीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वी विवादम मैत्रीम च ना सद्भी किंचिदाचरेत। अर्थात सद्भी एव अच्छे लोगों के साथ ही सह आसीत बैठना चाहिए। सद्भी अच्छे लोगों के साथ ही संगतिम कुर्वीत अच्छी संगति करनी चाहिए। सद्भी अच्छे लोगों के साथ ही विवादम विवाद मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। न असद्भी जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ किंचित आचरित कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में अच्छे लोगों के साथ ही सबसे पहले बैठने की शिक्षा दी गई है। यदि हम जीवन में कहीं रहें तो अच्छे लोगों के साथ ही रहें। अच्छे लोगों के साथ ही हमारी संगति, हमारा जितना संसर्ग है, चलना है, उठना है, बैठना है, बोलना है, होना चाहिए। और सदवी अच्छे लोगों के साथ ही विवाद, यदि हमारा विवाद भी होता है, किसी विषय पर हमारा वाद विवाद भी होता है, तो हमें वह भी अच्छे लोगों के से ही करना चाहिए और मित्रता भी अच्छे लोगों से करना चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ हमें कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनसे दूर रहने में ही हमारा हमेशा लाभ रहता है। संस्कृत प्रश्नोत्तराणी। कई स आसीत सदवी एव स आसीत, कई संगतिम कुर्वीत सद्वी संगतिम कुर्वीत, सद्वी काम कुर्वीत सद्वी संगतिम कुर्वीत, कई विवादम मैत्रीम च कुर्वीत सद्वी ए विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, सद्वी किम किम कुर्वी सद्वी विवादम मैत्रीम च कुर्वीत, कई किंचित न आचरेत असद्वी किंचित न आचरेत। संधि विच्छेद सद्वी प्लस एव, सदवी प्लस विवादम, न प्लस असदवी। अर्थात अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करने का, बोलने का, उठने का, बातचीत करने का और उनके साथ रहने की आप प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों, हमेशा अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए,
अच्छे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ऐसी सुंदर। पंचमः श्लोकः। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कवि कह रहे हैं कि सुखी व्यक्ति कब होता है, तो यहां चार बातें बताई गई हैं। प्रथम है धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य अन्न आदि के प्रयोग करने में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह संकलन करने में, विद्या प्राप्त करने में, आहारे भोजन ग्रहण करने में, व्यवहारे दूसरे के साथ व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा, लज्जा माने शर्म संकोच को जिसने त्यक्ता छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी भवेत, सुखी हो सकता है। तो सुख किसे प्राप्त है, तो यह चार बातें कही गई हैं, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या के संग्रह करने में, आहार में और व्यवहार में, जिसने संकोच का परित्याग कर दिया है वही हमेशा सुखी होता है। संस्कृत प्रश्नोत्तर, कहा सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा केसु सुखी भवेत, धन धान्य प्रयोगेशु सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा कस्याः संग्रहेषु सुखी भवेत, विद्याया संग्रहेषु सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे सुखी भवेत। अर्थात हमें इन चार कार्यों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमेशा संकोच छोड़ करके इन चार कार्यों को हमें करना चाहिए, धन धान्य की प्राप्ति करने में और विशेष करके विद्या प्राप्ति करने में। जो चीज हमें समझ में ना आए, जो हमें स्पष्ट अर्थ नहीं आया है, हमेशा अपने गुरु से निसंकोच होकर पूछना चाहिए और बार बार पूछना चाहिए। इस बात का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें विद्या प्राप्ति का कार्य सुगम, सहज और सरल होगा। धन्यवाद। षष्ठा श्लोक। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किन्न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात क्षमा के द्वारा संसार को जिसने बस में कर लिया है, क्षमया क्षमा के द्वारा कौन सी कार्य सफल नहीं होते हैं, अर्थात इस संसार में क्षमा के द्वारा सब कार्य सफल और सिद्ध हो जाते हैं। शांति खड़गा करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। संस्कृत प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। कुत्र वशीकृति लोके क्षमा वशीकृति ही, कया किन्न साध्यते क्षमया किन्न साध्यते। कहा करे अस्ति शांति खड़गा करे अस्ति, शांति खड़गा कुत्र अस्ति शांति खड़गा करे अस्ति। कहा किम न करिष्यति दुर्जनः किम न करिष्यति। अर्थात इस श्लोक में बहुत सुंदर प्रेरणा है, क्षमा की महानता बताई गई है। क्षमा के द्वारा इस संसार में सबको वश में किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा ही सब कार्यों की सिद्धि होती है। और जिसके हाथ में शांति की तलवार है, हमने देखा इस संसार में युद्ध के द्वारा कभी शांति स्थापना नहीं होती, शांति की तलवार जिसके हाथ में है, मारने के लिए नहीं प्रेम के लिए, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता। ये प्रेरणा हमें महात्मा बुद्ध के जीवन से, महावीर स्वामी के जीवन से और वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के देश की आजादी की प्राप्ति में दिखाई देती है कि उन्होंने लाखों भारतीयों को तैयार करके अंग्रेजों को देश से निकालने का कार्य किया, इसलिए क्षमा का बहुत महत्व है। धन्यवाद।